गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पोयम पढ़ी थी, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे का जो रीडिंग कंप्रेंशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। जॉइंट फैमिलीज, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। जॉइंट फैमिलीज आर क्वाइट कॉमन इन इंडिया, वेयर पेरेंट्स, सिबलिंग, कजन्स, आंट्स एंड अंकल्स लिव अंडर द सेम रूफ। जो संयुक्त परिवार हैं वो हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है, कॉमन है, जनरली पाए जाते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, अंकल, आंटी सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। वन सच फैमिली लिव्स इन लोकुर, अ विलेज सिचुएटेड 20 किलोमीटर फ्रॉम धारवाड़, अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट धारवाड से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है लोकुर, वहां पर एक ऐसी ही फैमिली रहती है। दे आर नरसिंगन वरस हु हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर द पास्ट 150 ईयर्स। 150 साल पहले से वो लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना। उनको क्या नाम दिया गया है? नरसिंगाना वरस, ठीक है। अब देखो, भीमन्ना जिनप्पा नरसिंगना वर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो भीमन्ना है ये इनकी फैमिली का मुखिया है, परिवार का मुखिया है। दिस फैमिली स्पैनिंग 5 generations कंप्राइज अबाउट 180 members। इस फैमिली का जो फैलाव है ना वो 5 पीढ़ियों का है, है ना, और इसमें करीब 180 लोग रहते हैं, 180, ठीक है। दे लीव इन ह्यूज मैंशन विथ 22 rooms। वो एक बहुत बड़ी सी हवेली में जिसमें 22 rooms हैं उसमें रहते हैं। द वास्ट एग्रीकल्चर लैंड्स डैट दे ओन आर डिवाइडेड एवंग द 7 brothers, ठीक है। और उनके पास एक बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि है जो उन्होंने अपने 7 भाइयों में बांट रखी है। फार्मिंग इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। इनका जो परिवार का जो मुख्य स्रोत आय का है वो क्या है? खेती है। इवन थ्रो फ्यू मेल मेंबर्स हैव टेकन अप अदर प्रोफेशंस सच एज इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। कुछ इसमें से जो है पुरुष उन लोगों ने कुछ एक अलग भी अपना प्रोफेशन अपनाया हुआ है, जिसमें जैसे कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ मेडिकल्स में डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, ठीक है। द नरसिंगाना वरस ग्रो देयर ओन फूड क्रॉप। वो जो हैं वो अपनी खाने के लिए खुद ही अनाज उगाते हैं। द फैमिली ऑलवेज सिट्स फॉर लंच एंड डिनर टुगेदर। वो जनरली सब लोग हमेशा एक साथ बैठ करके लंच और डिनर करते हैं। टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी। अपने इस सेंस को बढ़ाने के लिए कि हम लोग उन लोगों के अंदर एक एकता बनी रहे और साथ में रहने की समझ बनी रहे। इट इज़ सैड डैट ओवर 1000 rotis आर मेड एवरी डे फॉर द फैमिली मेम्बर। लगभग 1000 रोटियाँ उनके यहाँ बनती हैं रोज फैमिली मेम्बर्स के लिए। दे बिलीव दैट देयर स्ट्रेंथ लाइज इन लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर। वो इसमें विश्वास करते हैं कि वो लोग, उनकी जो ताकत है वो साथ रहने में है, ठीक है। दैट इज़ हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर लैंड्स एंड प्रॉपर्टी। इसीलिए वो अपनी भूमि की, अपनी संपत्ति की देखभाल करते हैं। इन 1992 केतन मेहता रिकॉर्डेड देयर लाइव्स इन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कॉल्ड ऑल इन द फैमिली। 1992 में केतन मेहता एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनकी जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, एक छोटी सी फिल्म बनाई जिसका नाम था ऑल इन द फैमिली। के वेंकटेश, अ सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर, एक के वेंकटेश हैं जो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, हेल्ड एन एग्जीबिशन ऑन देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नरसिंगाना वर फैमिली इन 2007। 2007 में उन्होंने एक फोटोग्राफ्स की गैलरी, एक एग्जीबिशन लगाई जिसमें वो उनके परिवार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थी, ठीक है। ये तो हमारा चैप्टर, इसमें मैं कुछ हार्ड वर्ड्स लगा रहा हूँ, उनको आप हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वाइट, सिबलिंग्स, कजन्स, ठीक है, फिर स्पैनिंग जेनरेशंस, कंप्राइजेस, एग्रीकल्चरल,
इंजीनियरिंग मेडिसिन, ठीक है, टुगेदरनेस, स्ट्रेंथ, रिकॉर्डेड, फोटोग्राफर, ये आपके क्या हैं, हार्ड वर्ड हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है बेटा, हार्ड वर्ड्स को अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ओके, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये सारे हार्ड वर्ड्स को आप कॉपी में लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग को करेंगे, ठीक है, बाय।